Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about finding square root by division method. Now today, we will continue the same topic. So, आज हम देखेंगे कुछ application questions square root से related. So, example number first is, in a right triangle ABC, angle B equal to 90 degree, if AC equal to 13 centimeter, BC equal to 5 सेंटीमीटर then find AB. तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और एंगल B है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला पार्ट क्या हो जाएगा, B. तो बचा हुआ हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे A लिख लेते हैं और दूसरा वाला C. ठीक है, गिवन है AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, AB. तो देखिए आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो हम उसी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है और 90 डिग्री जस्ट नीचे वाली साइड बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है हमारा, हाइट. तो देखिए यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दैट बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर उस साइड मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर क्या, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या, ए सी, तो ए सी स्क्वायर माइनस बेस क्या है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है 13, तो 13 स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 5, तो 5 स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 144. स्क्वायर उस साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 144. अब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का. ठीक है, सो आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस. एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है और उस प्लांट्स को वो ऐसे लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो. तो हमें बताना है कि इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए उसे और कितने प्लांट्स अभी चाहिए. ठीक है, सो सॉल्यूशन इज, अगर हम तीन रो लेते हैं और कॉलम्स भी तीन होंगे, तो देखिए कितने प्लांट्स लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देखिए तीन रोज थे, तीन कॉलम्स थे, तो 3 × 3 हम 9 प्लांट्स लगा पा रहे हैं. 4 रोज रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे, तो टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे, 16. ठीक है, तो हमें यहाँ पे रोज तो पता नहीं है, तो हम उसको क्या लेट करेंगे, एक्स. सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, देन दी नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 1000. इक्वल टू 1000, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होना चाहिए, एक्स रोज है
एक्स कॉलम्स है तो टोटल कितने होंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1000, और आपको पता ही है 1000 में 3 जीरोस हैं, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम कितने प्लांट्स हमें और चाहिए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम हो जाए। तो चलिए हम लॉन्ग डिवीजन से 1000 फाइंड करते हैं। पेयरिंग करेंगे, 10 है तो 3 स्क्वायर के नियर आएगा, तो 3 3 9 माइनस 1, नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 0 0, 3 ऐड करेंगे 6, 0 हटा लेते हैं तो बच्चा 10, तो 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 के अप्रोक्स आएगा, तो 1 यहाँ पे 61 मल्टीप्लाई बाई 161, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 माइनस 6 3, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितना प्लांट और ऐड करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है अगर नंबर हमें ऐड करना है तो हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 32 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1024। तो देखिए टोटल हमारे पास 1000 प्लांट्स हैं, तो हमें कितने प्लांट्स अभी और चाहिए, 24, तब जाके वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। सो द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस इक्वल टू 1024 माइनस 1000, सो 24। तो हमें 24 प्लांट्स चाहिए ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए, तो कितने नंबर ऑफ रोज हमारे बनेंगे, 32, और कॉलम्स भी 32। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि कितने बच्चे बच जाएंगे अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट आउट दिया है। तो वहां पे क्या था, हमें ऐड करना था, यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। सोल्यूशन इज, सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, देन द नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 100, हमारे अकॉर्डिंग कितने हो रहे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500, एक्स इक्वल टू रूट ओवर 500। तो चलिए हम लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करते हैं। सो 500 फॉर्मेट, पेयरिंग करेंगे तो 0 0 एक पेयर एक 5, सो 2 2 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 0 0, 2 ऐड करेंगे 4, ठीक है। तो 0 अगर हम हटाएं तो बच्चा 10, तो देखिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के नियर आएगा, तो 2 टाइम्स हम यहाँ पे ले जाएंगे इसको, 2 ऊपर भी 2, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1। तो देखिए 16 हमारा रिमाइंडर है, तो अगर हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे कितने चिल्ड्रन बच जाएंगे वहां पे, 16 बच जाएंगे, ठीक है। सो हेंस नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट इक्वल टू 16। सो 16 चिल्ड्रन बच जा रहे हैं, तो 16 चिल्ड्रन बचने के बाद कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, 22, ठीक है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो आर गिवन 5 क्वेश्चन, दिस इज योर टूडेज क्लास वर्क। फर्स्ट 2 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर,
तो देखिए स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है, एरिया गिवन है तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, साइड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो वहां से आप इक्वेशन बना के साइड की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। सेकेंड इज फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विद डायमेंशन 20 मीटर बाय 15 मीटर, मींस ये लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है और हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा आपको और रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आर सेम एज एग्जांपल्स विच आर वी डिस्कस अर्लियर इन द वीडियो, सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस चेक योर आंसर्स विच आर गिवन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।